पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम दो पार्ले जी बिस्किट लेंगे 10 रुपए वाला, और इसे हम पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। जिस कढ़ाई में हम केक बनाएंगे उसमें 1 कप नमक डाल के इसे 10 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। जिस बर्तन में हम केक बनाएंगे उसमें हम चारों तरफ से ऑयल लगा लेंगे। केक का बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बटर और इसमें थोड़ा सा दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पार्ले जी बिस्किट का पाउडर डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा था, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा बैटर तैयार कर लेंगे। अब इसमें पिसी हुई चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें टूटी फूटी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। थोड़ा सा दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर देंगे, साथ में थोड़े कटे हुए चेरी को भी हम ऊपर से डाल देंगे। इसे हम कढ़ाई में रखकर ढक देंगे। इसे हमें लो फ्लेम में पकाना है। मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। देखिए केक कितने अच्छे से फूलने लगी है। अब हम साइड से थोड़े से टूटी फ्रूटी
चटपटी स्प्रिंकल कर देंगे। साथ में ऊपर से थोड़े चोको चिप्स भी डाल देंगे। इसे ढककर 20 मिनट और लो फ्लेम पे पकाएंगे। केक अब पूरी तरीके से अंदर तक पक चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए पार्ले जी बिस्किट से कितनी अच्छी केक बनकर तैयार हुई है। एकदम स्पंजी केक बनी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है।